जनाब एडवोकेट आदिल हसन साहब, मुन्ना मुश्ताक साहब, मुकर्रम साहब, राम रजा सिंह साहब, अफरोज आलम साहब, शाहिद साहब, शहजाद साहब, नुजरत जी, सरफरोज आलम, भीम शाह, रब्बान साहब, रहीम साहब, हरमोज साहब और तमाम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के जिम्मेदारान यहाँ पर मौजूद मेरे बुजुर्ग, मेरे दोस्त, मेरे भाई और घर पर बैठ के सुनने वाली मेरी पर्दा नशी माँ बहनों, आज का ये जलसा इंतकाबी जलसा है किशनगंज में। 18 अप्रैल को चुनाव लोकसभा के मुनक्किद किए गए, जिस तरह दूसरी सियासत पार्टियों ने अपने अपने नुमाइंदों को ठहराया है, उसी तरह मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने आपके अपने लाडले चहीते, आपके अपने भाई को, अपने बेटे को, इस धरती के पुत्र को, एक शेर दिल नौजवान को जिसका नाम अख्तर उल ईमान है, उसको इस जगह से ठहराया है। चुनाव 5 साल में एक मरतबा आते हैं, 5 साल बाद फिर चुनाव का वक्त आता है, मगर ये जो बीच में गैप होता है ना मेरे भाइयों, ये एक बहुत बड़ा गैप हो जाता है। चुनाव के पहले काफी सियासतदार पार्टी आपके बीच आएगी, आपसे वादा करेंगी कि हम आपके लिए यह कर देंगे, हम आपके लिए 2 करोड़ लोगों को रोजगार दे देंगे, हम 15 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में जमा करवा देंगे, हम काले धन को वापस लेकर आ जाएंगे। सब चुनाव के पहले इस तरह की बातें बतियाते हैं, मगर जैसे इक्तदार की कुर्सी पर आके बैठ जाते हैं वैसे ही भूल जाते हैं अपने वादों को। तमाम जनता देखती है, तमाम देश देखता है कि 2014 के चुनाव के पहले बीजेपी सरकार का भी यही मैंडेट था, मगर जब सत्ता संभाला, इक्तदार पर आकर बैठे, तो आज आप और मैं सब देख रहे हैं कि ना ही रोजगार मिला, ना ही काला धन आया, बल्कि जो देश का हमारा सफेद धन था उसको भी नीरव मोदी लेकर भाग गया, विजय माल्या लेकर भाग गया, मेहुल चौकसी लेकर भाग गया और चौकीदार खड़े हुए डंडा बजाता रह गया। तो मैं पूछना चाहता हूं चौकीदार जी से, चौकीदार नरेंद्र मोदी, आपने जो वादे किए थे उसका क्या हुआ? वादे झूठे पड़ गए, झुकले आ गए, पूरे देश ने अब देख लिया। आप आए लोगों के बीच तब भी 2014 चुनाव के पहले भी आपने अपने जुमलाबाजी शुरू कर दी, इमोशनल ब्लैकमेलिंग आपने चालू कर दी। मैं तो चाय वाला हूं, मेरा क्या है, जंगल में चला जाऊंगा, तो हमने कहा बिल्कुल आपको ये जनता भेजेगी जंगल में, मगर जाते वक्त मोदी जी चाय की केतली भी हम देंगे, चाय की पत्ती भी हम देंगे, शक्कर चीनी भी हम देंगे, लेकर चले जाना। फिर आगे आ गए, मैं तो फकीर आदमी हूं, जंगल में चले जाऊंगा, क्या छोड़ के जाएंगे, बंगले, हीरोइन, क्या छोड़ के जाएंगे। फिर कुछ नहीं चला,
देश ने सवाल चालू किया, क्या पत्तेदार पर बैठे हो, अरे कुछ करो, लोगों के लिए करो, डेवलपमेंट के लिए करो, विकास के लिए करो, देश का सफेद धन बाहर हुआ जा रहा है, विजय माल्या प्लेन में टाटा बाय बाय करता हुआ काला सफेद धन लेकर जा रहा है, मेहुल चौकसी जा रहा है, आपका आम नाम नीरव मोदी जा रहा है, 10-10 लाख के जैकेट पहनकर घूम रहा है मोदी जी, शर्म करो, कुछ करो। तो क्या शुरू कर दिया चौकीदार नरेंद्र मोदी, चौकीदार भला आदमी जितने थे पब्लिक को देखा, इनके भाग सबके सब चौकीदार, पब्लिक सब पूरे देश में टीवी की डिबेट में बैठ जाओ, चौकीदार भला, ट्विटर चालू करो, चौकीदार भला आदमी, अरे किसकी चौकीदारी कर रहे हो भाई, सिर्फ दो जन, एक अडानी की, दूसरी अंबानी की, उसके सिवा किसी की चौकीदारी नहीं की, किसका चौकीदार हो बताओ, क्या सीमांचल की जनता के आप चौकीदार बने, क्या किशनगंज की जनता के आप चौकीदार बने, ना बने है ना कभी बने, इनको क्या लेना देना अपने से, बाहर आ गए, काफी एमपी थे आपके बीच में, एमएलए थे आपके पास, मगर आगे कौन, आगे आए आपका मेरा हम सबका लीडर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, अब आ गया है, 1 करोड़ रुपए की दवाई है यहाँ पे, डॉक्टरों की टीम है आपके बीच में, क्यों आए, अरे हम तो हैदराबाद में है, मैं मुंबई में हूँ, एमएलए है, कारोबार अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुभान व तआला का करोड़ों एहसान है, स्कूलें हैं, कॉलेज हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, अक्सरियत के साथ वोट मिलते हैं और जीत कराते हैं, फिर भी क्यों आए सीमांचल के, क्योंकि तुम्हारा दर्द, तुम्हारी तकलीफ कि हमारे तो किशनगंज के भाई है, हमारी माँ बहने, ये हमारे अपने, अगर हम नहीं जाएंगे तो कौन जाए, नहीं ये सर, ये तकलीफ हमको यहाँ तक खींच कर लेकर आई आपके बीच, क्योंकि हम लोगों ने 70 साल से इस दर्द को बर्दाश्त किया, अरे आजादी की लड़ाई में हमारे बुजुर्गों ने अपनी जानें कुर्बानी की है, तब जाकर हमारा ये देश आज आजाद हुआ है, मगर फिर भी 70 साल की आजादी के बाद भी बड़ा अफसोस होता है जब ये सुनना पड़ता है कि अगर आप फला अल्फाज नहीं बोलोगे तो वारिस पठान आप देश हुई, आप एंटी नेशनल, आपको देश छोड़ के जाना पड़ेगा, क्यों जाएंगे भाई, ये देश का किसी के बाप की जागीर है क्या, ये देश मोदी के बाप थे क्या, अरे मोदी जितना हक तुम्हारा इस देश पर है उससे कहीं ज्यादा हक हमारा इस देश पर है, क्योंकि हम वो लोग हैं जो हमारे इस देश में बाई बर्थ है बाई चॉइस है, क्योंकि हमने सेना की टू नेशन थ्योरी को ठुकरा दिया और आज हम हमारे मुल्क हिंदुस्तान में फकर के साथ सर उठाकर तुमसे हाथ में हाथ डालकर हाथ से हाथ मिलाकर लड़ाई करते हैं, यह हक हमारा है इस देश पर, और हमको बोलते हो देश चल छोड़ के चले जाओ, जब आया पाकिस्तान चले जाओ, अरे क्या पाकिस्तान के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया है, टिकट विकेट फ्री फ्री में आ रही है क्या, वीजा वीजा फ्री में है क्या, गाला वाला खर्चा पा जाए क्या बीजेपी वालों का उनके साथ, जिसको देखो पाकिस्तान जाओ भैया, ऑस्ट्रेलिया भेजो, अमेरिका भेजो, घूमेंगे घूमेंगे ना, घूम फिर जाएंगे, पाकिस्तान में क्या भूखमरी से लोग मर, और आज ताज्जुब की बात तो यह है कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान साहब मोदी जी के सबसे खास दोस्त बन गए, बेस्ट फ्रेंड एकदम याराना, उन्होंने कहा अगर मोदी जीत गए बीजेपी की सरकार वापस सत्ता में आ गई तो कश्मीर का मुद्दा सॉल्व कर देंगे, कैसा करेंगे भाई,
तुम्हारे आगे तो पहले मुद्दे देख लो, भूखमरी से लोग मर रहे हैं, अपना घर संभलता नहीं, दूसरे के घर में झांकने की आदत खराब है, अपनी आदत सुधार। इमरान खान, हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, हमारे घर की रक्षा करना बखूबी जानते हैं, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, हमारे मुकाबले में दखलबाजी देना बंद कर। मगर मोदी नहीं सुधरते क्या करें, मैं भी हैरान हूं, काफी टाइम से हैरान। प्लेन में जा रहे थे, देखा नीचे बत्ती जली है, लाइट जली है, पूछा क्या हुआ, बोले नवाज शरीफ के घर में शादी है। प्लेन रुका, उतर गए शादी में, बिन बुलाए मेहमान। हमारे यहाँ भाषा में बोलते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवान। शादी किसकी, दीवानगी किसकी, बिरयानी खाने चले गए। इतना ही नहीं, अरे साड़ियां भी लेके चले गए, गिफ्ट होगा। यहां से मोदी साड़ियां दे रहे हैं, वहां से वो कट्टर पाकिस्तान हमारे सैनिकों की लाश पे लाश चढ़ा जा रहा है, सैनिकों को कत्ल पे कत्ल करता जा रहा है, लाश पे लाश चढ़ा जा रहा है। क्या ये बेशर्मी की हद रही है? मोदी जी, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं। और हमने कहा तो बोले पाकिस्तान से, अरे हमको हमारे मुल्क से प्यार है, जहां पैदा हुए हैं, कलमा दो आगो है, और इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ है कि इसी सर जमीन पर दम निकलेगा और मर्द मुजाहिद के माफिक बन के जाएंगे। तो ये है मोदी की सरकार का कारनामा। आज देश की यह हालत हो गई है, एक एक इंसान आता है, वारिस भाई जॉब नहीं है, मजदूर के पास जॉब नहीं है, काम नहीं है, स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रीज थी उसको तबाह बर्बाद करते हुए कहा था नवंबर में आ गए मोदी जी, दो साल पहले बोला आज रात से नोट बंद, हजार का नोट बंद, 500 का नोट बंद, क्या है क्यों, बोले इससे ब्लैक मनी खत्म हो जाए, ब्लैक मनी खत्म हो जाए। अरे आज गाड़ियां पकड़ी जा रही है, कभी कोई कांग्रेस का लीडर पकड़ा जा रहा है, कभी फलां का लीडर पकड़ा जा रहा है, गाड़ी की डिक्की खोलो 50 लाख कैश मिल रहा है, 2 करोड़ कैश मिल रहा है, तो आपने नोटबंदी करके गरीब के पेट की बंदी की है, काले धन की बंदी नहीं की है, याद रखो इस बात को। और फिर आ जाते हैं हमारे सामने मुसलमान, और तो कोई इंसाफ दिलाएंगे, तुम इंसाफ दिलाओगे, तुम्हारी इतनी औकात तक तुम्हारी मां बहनों को इंसाफ दिलाओगे। ट्रिपल ताक का बिल निकाल दिया, मगर ये जो बिकाऊ मीडिया है ये वो नहीं दिखाएगा कि किस तरह से लाखों की संख्या में आपकी और हमारी मां बहने रस्ते को उतरी थी और इस ट्रिपल तलाक बिल का पुरजोर तरीके से विरोध किया। ये नहीं दिखा रहे ये लोग, ये नहीं दिखाएंगे कि 3 करोड़ कि हमारी मां बहनों ने साइन करके लेकर दिया कि हमको ट्रिपल तलाक का बिल नहीं चाहिए, हमको शरीयत पे रहना है, हमको ये मंजूर नहीं है। मगर फिर भी बीजेपी सरकार ने ट्रिपल तलाक के बिल को इंट्रोड्यूस किया, ये बिल हमारी मां बहनों के कोई काम का नहीं है, कोई फायदे का नहीं है, इस बिल से हमारे भाइयों का नुकसान है, हिंदुस्तान के मुसलमान नुकसान का नुकसान ही है। जब बिल इंट्रोड्यूस हुआ पार्लियामेंट में 500 सांसद था, मुसलमान सांसद भी काफी सारे वहां पर मौजूद थे, शरीयत की बात, शरीयत में मदाखिलत की बात थी, मुसलमानों की औरत और आदमी के साथ इंसाफ की बात थी, तब कहां चले गए थे मुसलमान दूसरे सांसद, क्यों कोई खड़ा नहीं हुआ उस बिल की मुखालिफत करने, सब बीजेपी से मिल गए थे, सबको मंजूर था कि हाँ ठीक है आप ट्रिपल तलाक का बिल लाइए। मगर वहां पर भी एक भाई जो खड़ा हुआ मोदी की आंखों में आके डालकर जिसने उस बिल का विरोध किया वो कोई और नहीं था, वो आपका हमारा लीडर बैरिस्टर साधुद्दीन ओवैसी। और मुझे फक्र है इस बात का कि मैं ऐसी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूं जिसका एक बेबाक नेता है जो शरीयत में कोई मदाखिलत करेगा उसके दांत तोड़ने की ताकत रखता है, जो शरीयत में कोई मदाखिलत करेगा उसकी आंखों में आकर डालकर बात करने की ताकत रखता है। मैं ऐसी पार्टी के लीडर के नीचे काम करता हूं, ये मेरी खुशकिस्मत है।
कि मेरी कुछ किस्मत थी आज आपके बीच में आए, आपसे दरखास्त करने आए कि आपका दर्द, आपकी लड़ाई लड़ना है आपको, हम आपके साथ हैं। कितने वर्षों से आपने देखा, 70 बरस कांग्रेस सरकार सत्ता में रही, इक्तदार की कुर्सी पर बैठे रहे, फिर भी क्यों आज पूरे देश का मुसलमान पॉवर्टी लाइन के नीचे? डेटा है जो बताता है आज भी मुसलमान सोशली बैकवर्ड है, एजुकेशनली बैकवर्ड है,